दोस्तों आज हम बनाएंगे लौकी का पराठा। उसके लिए मैंने लिया है लौकी, ये आधा कटा हुआ है। इसको हम छीलेंगे और ग्रेट करेंगे। तो चलिए इसे पील करके अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ऐसे पील कर लिया है, कद्दूकस किया, एक बहुत ही पतले किया मैंने। ये हमारा ग्रेटर है, जो छोटे वाले हिस्से हैं उससे मैंने ग्रेट किया था, ऐसे लच्छे बने। सिमिलरली दोस्तों, ये प्याज है, सफ़ेद प्याज है, आप कट दोस्तों ये सफ़ेद प्याज है, आप सिमिलरली जो लाल प्याज आती है वो भी ले सकते हैं। इसको भी हम कद्दूकस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को भी मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो दोस्तों ये है हरी मिर्च, अब इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। फ्रेंड्स ये है आटा, जिसका रोटी चपाती हम डेली बनाते हैं वही आटा है। इसमें हम डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ लौकी और प्याज। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। पानी अभी हम नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ने पर डालेंगे। इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। झाल कितना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप। इसके अनुसार दोस्तों नमक डाल देते हैं। दोस्तों इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। अच्छा टेस्ट के लिए हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। आप भी हमारी तरह बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और मेरा रेसिपी पसंद आने से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम डालेंगे गरम मसाला, सूखे मसाले डाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें आमचूर। दोस्तों अब इसमें हम गरम मसाला और आमचूर को मिक्स कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, चटपटा टेस्ट, बच्चा बूढ़ा जवान सभी पसंद करेंगे। इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दी है, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप भी मेरे तरह बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये मेरा सीक्रेट है, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और मिक्स करेंगे। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा घर का बना हुआ पुदीना पाउडर डालेंगे। आपको अगर ये कैसे बनाया जाता है चाहिए तो हम वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा आटा एकदम बिल्कुल तैयार है, तो अब उधर आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा लगा है। 2 मिनट इसको रेस्ट में छोड़ेंगे फिर बना लेंगे, नहीं तो कद्दू जो है पानी छोड़ना शुरू करेगा मेरा लौकी। मेरा इस तरह से हम हथेली की सहायता से गोल करेंगे। दोस्तों थोड़ा मोटा रखेंगे हम, ये लौकी का पराठा है, चपाती नहीं। ये देखिए इसको पकने देते हैं, पक गया तो इसको पलटा लेते हैं।
देखिए दोस्तों पॉट जैसे आ गया, ब्राउन हो गया, तो दोनों साइड इसी तरह से पकाएंगे, फिर ऑयल लगाएंगे। ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड पक चुका है तो इसमें ऑयल लगाते हैं। ऑयल अच्छा से लगाएंगे ना, दोस्तों लौकी का पराठा रेडी है। हमने कुछ गोल बनाए, कुछ ट्रायंगल, ये देखिए। तो तोड़ के हम दिखाते हैं आपको। ओके, हम दिखाते हैं दोस्तों, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ठंडा दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मस्त बना है।